नमस्कार दोस्तों, कुलदीप जैन ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम विभिन्न परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसी श्रृंखला में आज के इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो पटवारी में आए हुए क्वेश्चन हैं और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। इसके साथ हम जीके और जीएस के उन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जो आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो वर्ग एक और वर्ग दो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, वो भी मैं अभी कुछ समय बाद अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो आप अगर उन वीडियो को चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही जल्द वो वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये स्थित है भोपाल में। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। तो इसका आंसर सही हो जाएगा भोपाल। अगला क्वेश्चन, कौन से शहर में बीना रिफाइनरी है जिसे भारत ओमान तेल रिफाइनरी के नाम से भी जाना जाता है? ओमान ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के बीच यह एक संयुक्त उद्यम है। तो सागर के बीना में स्थित, सागर जिले के बीना में स्थित है क्या एक रिफाइनरी, जो तेल रिफाइनरी है यह कहाँ पर स्थित है? बीना में स्थित है। ये आप इसको याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, रामकारी सिंह दिनकर को निम्नलिखित पुस्तक में से किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राम कुमार दिनकर जी को यह जो लेखक थे इनके लिए उर्वशी पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आपसे बार बार पूछते रहते हैं तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बघेलखंड मध्य प्रदेश के खालिस्तान भाग में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये क्या है? बघेलखंड क्षेत्र स्थित है। मान लो यहाँ पे ये हमारा इस तरीके से ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये मान लो मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में इस साइड क्या है? बघेलखंड क्षेत्र स्थित है। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बघेलखंड क्षेत्र स्थित है, इसको याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। ये जो दिवस के क्वेश्चन आपको बार बार हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं, तो एक ना एक क्वेश्चन ये आपसे हर बार पूछा जाएगा। तो राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। तो इसको मैंने आपको एक अलग वीडियो बनाई थी जिसमें डिस्कस किया था कि इसको हम कब मनाते हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस हम मनाते हैं 12 जनवरी को। कब मनाते हैं फ्रेंड्स? 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस था। कब? 12 जनवरी को। तो हम 12 जनवरी को क्या मनाते हैं फ्रेंड्स? राष्ट्रीय युवा दिवस। अगर आपसे पूछा जाए कि 30 जनवरी को जो हमारे राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, इनकी हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी को, तो इसको भी फ्रेंड्स आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय पत्रकार को हाल ही में बेंगलोर में अपने घर के बाहर गोली मार दी गई थी? तो गौरी लंकेश को ये गोली मार दी गई थी, इसको आप याद रख सकते हैं। और इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र से इनका संबंध है। और ये कहाँ के थे? बेंगलोर में ये निवास करते थे, इसको भी फ्रेंड्स थोड़ा आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ODI मैच में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो यह थे चेतन शर्मा थे जो पहले भारतीय क्रिकेट थे जिन्होंने ODI में हैट्रिक बनाई थी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, 2017 के गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो संयुक्त अरब अमीरात के जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ये थे भारत के 2017 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को। आपसे पूछा जाए मैकमोहन रेखा, तो ये भारत और चीन के बीच जो रेखा है वह कहलाती है मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को कहते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान कढ़ाई की पारंपरिक कला और चिकनकारी के नाम के लिए प्रसिद्ध है? तो जो चिकनकारी कला और कढ़ाई जो परंपरा है यह लखनऊ के लिए यह प्रसिद्ध है। इसके लिए चिकनकारी जो कला है इसके लिए तो GI टैग भी लखनऊ को मिला है, तो इसको भी फ्रेंड्स आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश कौन सी है? तो ये मान लो हमारी पृथ्वी है, यहाँ से ये बीचों बीच आपको देखने को मिलेगी भूमध्य रेखा, इसका मान है 0 डिग्री। इसके ऊपर 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है जिसका नाम है क्या, कर्क रेखा, कर्क रेखा। और इसके नीचे 23.5 डिग्री यह है मकर रेखा, क्या नाम इसका, मकर रेखा। तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जिसको हम कर्क रेखा या कर्क रेखा कहते हैं, यह भारत के बीचों बीच से होकर के निकलती है और मध्य प्रदेश से ये गुजरती है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पांडव जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पांडव जलप्रपात स्थित है, इसको फ्रेंड्स थोड़ा आप याद रख सकते हैं। मंदिर वगैरह से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। शिवपुरी का सूर्य मंदिर खालिस्तान में स्थित है, तो शिवपुरी का सूर्य मंदिर है सेसाई में यह स्थित है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में सानोधा किला स्थित है? तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में सानोधा किला स्थित है, फ्रेंड्स इसको आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसको हम हर एक वीडियो में डिस्कस करते हैं। अभी हमने पटवारी सीरीज की लगभग 15 वीडियो अपलोड की हैं, जिसमें और तीन वीडियो उसमें दो वीडियो 100-100 क्वेश्चन की भी अपलोड किए हैं, उनमें भी मैंने बताया है आपको कि हमारा जो भारत रत्न पुरस्कार है यह भारत का सर्वश्रेष्ठ मतलब सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, कौन सा, भारत रत्न। उसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, उसके बाद आता है पद्मश्री। ये चार रत्न पुरस्कार हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, और इनका ये सही क्रम है, तो ये क्रम भी आपसे पूछ लिया जाता है, इसको भी आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। बड़वानी जिले में स्थित मुख्य किले का नाम बताइए? तो सेंधवा का किला बड़वानी जिले में स्थित है, आप इसको याद रख सकते हैं। मांडू का किला ये कहाँ पर है? धार में स्थित है, धार में स्थित है। और मांडू में ही क्या है, रानी रूपमती का महल, रानी रूपमती महल, हिंडोला महल, रेवा कुंड, ये सारी चीजें आपको कहाँ पर मिलेंगी फ्रेंड्स, मांडू में देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन, कृषि अवशेषों से CNG बनाने वाला भारत का प्रथम जैव CNG प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो इस तरीके का जो प्लांट है यह कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में, इसको आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कुड़नकुलन नाभिकीय विद्युत परियोजना खालिस्तान में स्थित है, तो यह कहाँ पर है, तमिलनाडु में। कुछ हमने आपको बताए थे, याद भी करवाए थे, जैसे आपसे पूछा जाए कुड़नकुलम और इसके साथ आप याद कर लेना कल्पक्कम, कुड़नकुलम और कल्पक्कम, ये दोनों जो परमाणु जो नाभिकीय संयंत्र हैं ये कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में, कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में। आपसे पूछ लिया जाए कि तारापुर परमाणु संयंत्र ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में फ्रेंड्स, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें कि भिंड जिले में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा निर्मित मंदिर का नाम क्या है? तो बनखंडेश्वर मंदिर है जो, यह किसके द्वारा बनवाया गया था, पृथ्वीराज चौहान जी के द्वारा बनवाया गया था, और किस जिले में स्थित है यह, भिंड जिले में यह स्थित है, इसको भी थोड़ा आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्वामित्र पुरस्कार 2015 के प्राप्तकर्ता नहीं है? इसको जरूर याद रखना, इसमें लिखा है नहीं है, तो सुनील केवट को मिला है, मोहन साक्य को मिला है और सचिन कस्तूरी को मिला है, इनमें से अंजलि वशिष्ठ को नहीं मिला, तो हमारा आंसर हो जाएगा अंजलि वशिष्ठ।
आई होप जो 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आपको मैंने बताया कि वर्ग एक और वर्ग दो से संबंधित सारी जो वीडियो है सब्जेक्ट वाइज वो वीडियो भी मैं आपके सामने लेकर के आने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसकी सारी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। उसके बाद मैं मैथ्स की भी वीडियो डाल रहा हूं तो उसको भी आप देख सकते हैं। आपसे जल्द ही मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।